अपचन या भोजन के ठीक से ना पचने की समस्या को दूर करने में कुछ सरल योगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। अपचन यानी भोजन का ठीक से ना पच पाना, और आप जानते हैं भोजन ही हमें ऊर्जा देता है। अगर वो ठीक से नहीं पचा तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होगा, सीने और पेट में जलन महसूस होगी, सिर दर्द महसूस होने लगेगा, पेट में भारीपन रहेगा, और भोजन ठीक से नहीं पचा तो कब्ज की समस्या हो जाएगी। और जब कब्ज की समस्या के संग तो दूसरे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, साथ ही हल्का बुखार महसूस होने लगेगा, क्योंकि जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो क्योंकि भोजन नहीं पच रहा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, कमजोरी आएगी, तो बुखार भी आएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और कमजोरी इतनी होगी जिसकी वजह से पैर हाथ ठंडे महसूस हो जाएंगे, बल्कि ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं शुरुआत में ऐसे ही होता है, बाद में ये जो पेट आपका मतलब ठीक से पाचन नहीं हो रहा है वो दूसरे बड़े बड़े रोग दे देगा। तो बेटर है कि आप पहले ही इनको दूर कर लें। भोजन ठीक से पचे इसके लिए कुछ बातों को आपको भी ध्यान में रखना है। एक, भोजन घर का ताज़ा करिए। अगर आपको ये समस्या आ रही है तो आप तला भुना मसालेदार भोजन ना लें। दूसरा, वज्रासन में भोजन के बाद 10 मिनट जरूर बैठें। 10 से 15 मिनट बैठने से भोजन का पाचन अच्छा हो जाता है। और भोजन के संग पानी नहीं पीना है। दोपहर में आपको भोजन के संग कुछ चाहिए तो छाछ पीजिए, और शाम को चाहिए तो सूप पीजिए। और शाम का भोजन कोशिश करें कि 7:30 तक हर हालत में हो जाए, उसके बाद नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी सूर्य के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं कारणों से हमारा भोजन ठीक से नहीं पच रहा होता है। तो जो धीरे धीरे बाद में आपको बहुत सारी पेट की बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है अपचन की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि गैस इसमें भी बनती है, डकार आती है, सीने में जलन होती है, शुरुआत तो यहीं से होती है। और आज अधिकतर रोगी जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब गैस बहुत बन रही है, सीने में जलन है, पेट में जलन है, तो वो आपके भोजन नहीं पचने की वजह से हो रहा है। तो चलिए आपको क्या करना है, मैं बहुत सरल ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं, और किसी को मना नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं हर कोई। अगर आप इन अभ्यासों को घर में रोज करेंगे तो आप देखेंगे भोजन तो ठीक से पचेगा ही, आपको दूसरे शारीरिक लाभ अपने आप महसूस होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे आसनों को करने के लिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होके नहीं, बल्कि मैं आपको सीधे लेट के ही आज कराने वाली हूँ। पहले लेट कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले एक पाँव से लड्डू बनाइए, क्लॉकवाइज, दोनों पाँव नहीं उठाना है, क्योंकि बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है तो हमें दोनों पाँव से नहीं, कम से कम 3 से 5 बार सीधा, 3 से 5 बार उल्टा। मैं कम कर रही हूँ, आपको ज्यादा करना है, 3 से 5 बार शुरुआत में ऐसे और ऐसे। तो ये तो बहुत सरल था, आपने देख लिया और आपको आ भी गया। इसके बाद साइकिलिंग, ये भी सब भी कर सकते हैं, पूरा पाँव सीधा, पूरा मुड़ेगा सीधा भी, और जितनी बार सीधा करेंगे यानी 10 से 15 बार सीधा तो 10 से 15 बार उल्टा। आपने देखा ये दोनों के दोनों अभ्यास बहुत सरल था। अब इसके बाद में बोलूंगी एक पाँव से पवन मुक्तासन, क्योंकि मैंने बोला कमर दर्द हो तो दोनों पाँव मोड़ने में उन्हें परेशानी होती है। एक पाँव उठाया और ब्रीद आउट, सांस भरते हुए पैर को फैला दिया, फिर से सांस भरते हुए छोड़ते हुए, और सांस भरते हुए पैर को फैला दिया। ये भी 3 से 5 बार करना है आपको, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीदिन, अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आप गर्दन को भी ऐसे ही छोड़ दें, बस पैर को दबा ले छाती से घुटने को। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी, बहुत सरल सा अभ्यास बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। बैठ करके पांव फैला देंगे और नाव चलाएंगे। सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, पेट दबेगा, सांस बाहर निकालिए, सांस को भरिए और ऐसे ही सीधा। ये भी आपको 10 बार करना है। बहुत सरल है लेकिन भोजन के पाचन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और इसे गर्भवती महिला भी कर सकती है। ये तो था नौका संचालन। इसके बाद में मैं आपसे बोलूंगी चक्की। चक्की के लिए दोनों पैरों को ऐसे फैला लें, मिला के रखें, उंगलियों को फिंगर्स को इंटरलॉक करें और क्लॉकवाइज, कोनी मोड़ने नहीं पाए, आप पीछे जाए तो कोनी मोड़े ना, ये देखिए कोनी सीधी है, मैं आगे भी आ रही हूँ पीछे भी जा रही हूँ। पीछे जाते हुए सांस भरना है, आगे आते हुए सांस छोड़ना है, सीधा और उल्टा दोनों। इसके बाद पैरों को ऐसे फैला दें अच्छे से और ब्रीद आउट, सांस छोड़े, सांस भरे, ये भी 10 बार दोनों तरफ। और अब मैं जो आसन एक बताने जा रही हूं, ये आपको कब्ज की समस्या से तो मुक्ति दिलाए गई, पाचन के लिए तो बहुत अच्छा है, पाचन की हर समस्या को दूर करेगा, लेकिन कब्ज की समस्या के लिए रामबाण। इसके लिए आपको पहले ऐसे बैठना पड़ेगा, दोनों हाथ घुटनों पर लाएंगे, ये देखिए घुटना मोड़ रही हूँ और मैं गर्दन पीछे ले जा रही हूँ। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पांव फैला के ही रखना है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़े। इसको अगर पानी पी के करेंगे तो कब्ज बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। आप देख रहे हैं आंखें बिल्कुल खींच रही हैं। और इसका अभ्यास भी 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। तो ये थोड़े से अभ्यास जो मैंने बताए पूरे के पूरे डाइजेशन सिस्टम के लिए ही है, इसका पूरा पेट पर ही असर है और ये हमारे भोजन के पाचन को बहुत अच्छा करेंगे। और ये इतने सरल है कि किसी को मना नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे। और जो मैंने बोला भोजन, अगर आपको ये समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए देखिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपको यही तो करना है कि भोजन के संग पानी नहीं पीना है, छाछ और सूप का प्रयोग करना है, शाम का भोजन हल्का और जल्दी करना है, और तला भुना मसालेदार भोजन से दूर रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही रोग के कारण है, ये भोजन ही रोग का कारण है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो अधिक लोगों तक पहुंचेगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।